Assalamu alaikum dear students, I hope you will be fine. In this video I am going to teach you the topic related to quantity surveying. In our topic is how to calculate quantity of dome. Okay, so dear students, aaj ke lecture mein hum is dome ke liye quantity ko calculate karenge. So now dear students, sabse pehle chalte hain hum is dome ki 3D view ki taraf, ki hamare paas jo dome ki basic component hai wo kya kya hai, theek hai. सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक डोम है और डोम की जो बेसिक कंपोनेंट है जिसमें हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, जिसको यहाँ पर एक ग्रीन लाइन के जरिए शो किया गया है, ठीक है, और इसके साथ साथ इसी डोम की हाइट है, ठीक है, जो यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ तक है, ठीक है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने इस डोम के लिए क्वान्टिटी को निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस डोम की सरफेस एरिया को कैलकुलेट करेंगे और इसके बाद हम इस डोम के थिकनेस के साथ वो एरिया मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी ऑफ दिस डोम आ जाएगी, ठीक है. सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले चलते हैं हम इस डोम की ड्राइंग की तरफ कि हमारे पास जो डोम है उसके लिए डायमेंशन क्या क्या है, ठीक है. सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास इस डोम के लिए ड्राइंग है. ड्राइंग में सबसे पहले अगर हम बात करें इस डोम की स्लेब की, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि हमारे पास जो डोम का स्लेब है उसकी थिकनेस हमारे पास 6 इंचज़ है, ठीक है. और इसके साथ साथ इसकी जो बेसिक कंपोनेंट है जिसमें हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, जो हमारे पास 5 फीट एंड 3.43 इंचज़ है, ठीक है. सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डोम के लिए 3D व्यू है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको हमने यहाँ पर इन ब्लैक लाइन के जरिए शो किया है, ठीक है. सो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है. हमारे पास जो बेस रेडियस है यहाँ पर इसको शो किया गया है कि हमारे पास वो क्या है, 5 फीट है, ओके. और इसके साथ साथ हमारे पास जो टोटल हाइट है फॉर दिस डोम वो क्या है, 3 फीट एंड 6.86 इंचज, ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस डोम के लिए बेसिक कंपोनेंट है, ठीक है. तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि अगर हमने इस डोम के लिए क्वांटिटी को फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस डोम के लिए टोटल सरफेस एरिया को कैलकुलेट करेंगे और इसको थिकनेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल क्वान्टिटी फॉर दिस डोम आ जाएगी, ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इस डोम के लिए सरफेस एरिया को कैलकुलेट करेंगे. याद रखिए, हमारे पास इस डोम के सरफेस के लिए दो फार्मूले हैं जिससे हम इस डोम के लिए एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट फार्मूला है जिसके मदद से हम इस डोम के लिए सरफेस एरिया को कैलकुलेट करेंगे वो हमारे पास ये है, ठीक है. सरफेस एरिया इक्वल टू 5h² + r², ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम ना हो तो फिर जो है हम इसी फार्मूले की मदद से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फाई की वैल्यू हमें पता है कि 3.142 है और h की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 फीट एंड 6.86 इंचज़ है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 6.86 को 12 पर डिवाइड करेंगे तो इससे मेरे पास आ जाएगा 3.571, ओके. और इसका स्क्वायर लेंगे, उसके बाद प्लस लगाएंगे और जो हमारे पास आर है, जो हमारे पास क्या है, बेस रेडियस है, वो हमारे पास 5 फीट है तो हम इसका स्क्वायर लेंगे तो इससे मेरे पास आ जाएगा 118.61, ओके. और इसका जो यूनिट होगा वो हमारे पास स्क्वायर फीट होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एरिया है. सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला था जिसकी मदद से हमने इस डोम के लिए टोटल सरफेस एरिया को कैलकुलेट किया, ठीक है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, आते हैं सेकंड फार्मूले की तरफ. अगर हमारे पास ये बेस का रेडियस मौजूद ना हो और हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमारे पास इक्वल है सरफेस एरिया इक्वल टू क्रॉस फाई क्रॉस एच क्रॉस आर सी, ओके. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस फार्मूले में वीडियो फुट करें, ठीक है, तो फाई की वीडियो हमें पता है कि 3.142 है, एच की वीडियो भी हमें पता है, ठीक है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो 3 फीट एंड 6.86 इंचज़ है. तो सबसे पहले हम इस 6.86 को 12 पर डिवाइड करेंगे टू कन्वर्ट इनटू फीट, ठीक है, तो इससे मेरे पास आ जाएगा 3.571, ओके.
अगर इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है, इन टर्म ऑफ स्क्वायर फीट। ओके, सो नाउ डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास इन दोनों फार्मूले से जो सरफेस एरिया है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम आया है, ठीक है। तो अगर हम इस डोम के लिए क्वांटिटी को कैलकुलेट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका सरफेस एरिया लिखेंगे जो हमारे पास क्या है 118.60 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा इस डोम की थिकनेस के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डोम है उसके लिए थिकनेस हमारे पास 6 इंचेस है। तो अगर मैं 6 इंचेस को 12 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास इससे आंसर आ जाएगा इन टर्म ऑफ फीट 0.5। ओके, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर मैंने इसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर मैं इक्वल का साइन डालूंगा, इस डोम की सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई करूंगा इसकी थिकनेस के साथ, ठीक है। तो इससे मेरे पास टोटल क्वांटिटी फॉर दिस डोम आ जाएगी, ठीक है, और इसका जो यूनिट होगा वो हमारे पास क्यूबिक फीट होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जितने भी डायमेंशन थी उसको हमने फीट में लिया है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद करता हूँ कि आज तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर रहेंगे, ठीक है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।